रामचरितमानस की एक चौपाई को बीच से लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए समाज को बांटने का जो कार्य किया है, उनको रामचरितमानस मैं उपहार स्वरूप भेंट करने जा रहा हूँ। अगर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इस तरीके का कार्य करते हैं, समाज को बांटने का कार्य करते हैं, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी एक होने की बात करती, सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है, और वो जातिवाद समीकरण और जातियों को बांटने का कार्य कर रहे हैं, मैं सिमरनजीत सिंह, क्षेत्रीय सह संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र। कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से हम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी पार्टी के महासचिव रामचरितमानस की एक चौपाई को बीच से लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए समाज को बांटने का जो कार्य किया है, उनको रामचरितमानस मैं उपहार स्वरूप भेंट करने जा रहा हूँ, ताकि वो इसमें सही वाक चौपाई का अर्थ समझ के अपने पार्टी के पदाधिकारियों, अपनी पार्टी के सबको समझा सकें, ताकि समाज को बांटने का कार्य ना किया जा सके। उन्होंने एक चौपाई को अपने तरीके से बांटते हुए समाज को तोड़ने का जो कार्य किया है, इससे देश को बहुत खराब कार्य किया है, निंदाजनक कार्य है। अगर ऐसा होता तो क्या प्रभु राम जब उन्होंने केवट को गले से लगाया तो ये श्लोक ये इसमें दर्ज होता? अगर ऐसा होता तो प्रभु राम ने जब शबरी के झूठे बेर खाए थे तो क्या ये चौपाई इसमें दर्ज होती? ये सिर्फ समाज को गुमराह करके उनको बांटने का कार्य किया जा रहा है। आपके मन में कहाँ से आया ये? मेरे मन में इसलिए आया जब मैंने ये रामचरितमानस मंगवाई और पढ़ा, इसका सही अर्थ जाना, तो मुझे लगता है वो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इस तरीके का कार्य करते हैं, समाज को बांटने का कार्य करते हैं, जहां की भारतीय जनता पार्टी एक होने की बात करती, सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है, और वो जातिवाद समीकरण और जातियों को बांटने का कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत कार्य है।